हाय एवरीवन, एक नए वीडियो पे स्वागत है फ्रेंड्स। ये एक्सेल सुपर 80cc का ये इंजन है, पूरा इंजन में रिवील कर दिए हैं फ्रेंड्स। तो इसको आज दिखाएंगे सिलेंडर कैसे फिटिंग होता है, पिस्टन का मूवमेंट किधर रहता है और रिंग कैसे फिटिंग होता है। तो इसमें मैं ब्लॉक किट नया डालेंगे, तो यही चीज़ इस वीडियो में बताएंगे। अगर फुल इंजन का फ्रेंड्स किसी को वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फुल इसका वीडियो बना के मैं डाल दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए आज मैं दिखाऊंगा सिलेंडर कैसे फिटिंग होता है, पिस्टन रिंग का मूवमेंट कैसे होता है और पिस्टन किस तरह दिशा में रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये फुल चीज़ आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो चलिए वीडियो पे बने रहिए। तो गाइस देख पा रहे हैं, ये सिलेंडर का मेरा डब्बा है, इसी में सिलेंडर किट आया है, ब्लॉक किट या सिलेंडर किट जो भी बोल लीजिए, एक ही नाम है, बस अलग अलग से पुकारते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें सिलेंडर में पिस्टन पूरा फिटिंग ही रहते हैं। ये देख पा रहे फ्रेंड्स, ये पिस्टन इसमें सेटिंग ही रहते हैं। तो इसको मैं खोल के दिखाऊंगा इसका दिशा कौन सा रहता है और किस टाइप का लगता है। ये देख पा रहे सिलेंडर पिस्टन इसमें डाला हुआ, तो चलिए मैं इसको खोल लेता हूँ, पिस्टन को बाहर निकाल लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं। ये कंपनी फिटिंग एड दिया है, तो फिर भी मैं एक बार चेक कर लूँगा कि इसका सही रिंग अपनी जगह पे बैठा हुआ कि नहीं है, और एरोर जो है पिस्टन का और एरोर उसका नीचे का साइड रखना है, जिसमें एडजस्ट जिसमें से धुआं निकलता है ये साइलेंसर की तरफ रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं पिस्टन को इसको खोलते हैं। तो गाइस देख पा रहे हैं, इसमें पिस्टन रिंग डाला हुआ है, इसको निकाल दिए। ये जो ग्रुप देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसका ग्रुप बना हुआ है, कैमरा में शायद दिख पा रहा है कि नहीं, ये ग्रुप ऊपर रखना है, दोनों का ग्रुप ऊपर रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों एक ही साइज का रिंग होता है, इसमें कोई पतला मोटा नहीं होता है, क्योंकि ये 4 स्टॉक नहीं है, 2 स्टॉक है, इसके तेल में ऑयल लगता है। इसमें जो एरर का निशान है, ये एरर का निशान हर वक्त नीचे के साइड रहेगा, जिससे साइलेंसर तरफ मुँह है उस टाइप रखना है, इसको ऐसे नहीं रखना है, ऊपर का साइड नहीं रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये नीचे के साइड जब भी लगाना है नीचे के साइड लगाना है। मैं और एक चीज़ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर में, तो वीडियो देखते रहिए। आप चलते हैं इंजन के ऊपर सेटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स ये देख पा रहे हैं, जीपी बैरिंग एक लगता है सिलेंडर पिस्टन लगाने से पहले, इसमें लुब्रिकेंट कर देना, मैं लुब्रिकेंट कर दी हूँ पहले से। तो इसमें पहले सबसे पहले जीपीटी बैरिंग लगता है, उसके बाद सिलेंडर इसमें लगाएंगे। तो गाइस देख पा रहे हैं, ये मैंने सेटिंग कर ली है, गजल पिन को बाहर की ओर निकाल लेना, उसके बाद इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके इसके अपने सेंटर में लगा करके इसको पुश कर देना है। तो फ्रेंड्स ये पिन लग जाने के बाद में एक लॉक छोटे से इस लॉक को भी लगा लेना है, यहाँ पे ऐसे कपड़ा डाल लेना ताकि लॉक ना घुसे अंदर, उसके बाद इस पिन को लगाना है। तो चलिए मैं लगा के दिखाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये जस्ट लॉक लग गया, काफ़ी अच्छा से एक बार देख लेना है पेचकस से घुमा के ताकि लॉक बाहर ना आए, उसके बाद सिलेंडर को आस्ते से पुश कर देना है इस तरह। उससे पहले एक जॉइन दे देना है, जॉइन मैं पहले से देख रखा था, बोलने भूल गया था, तो ये जॉइन भी देख लेना एक बार, इसके बाद जस्ट ऐसे लगा देना। 2 स्टॉक इंजन है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आराम से उसके बाद डायरेक्ट हेड जॉइन लगाना और हेड फिटिंग कर देना। तो फ्रेंड्स ये जॉइन भी लगाना, हेड जॉइन इसका उल्टा सीधा कोई डायरेक्शन नहीं है, जिधर की साइड बैठेगा उधर की साइड बैठा देना है, उसके बाद हेड लगाना है। ये रहा हेड, थोड़ा सा साफ कर लेना है इसको, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, जिधर से भी लगा सकते हैं जैसे अच्छा होगा। ये टीवी जो लिखा हुआ है नीचे की ओर रहेगा ऐसे। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह लगाना है। अब 4 नट लगा देना है इसमें, 11 नंबर साइज का नट होगा। तो गाइस देख पाए अच्छी तरह से फिटिंग हो गया। तो फ्रेंड्स इस वीडियो देख करके अगर कुछ सीख पाए तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय, अगले वीडियो पे मिलते हैं। अच्छा रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।